नमस्ते दोस्तों, हालियानी एडवेंचर चैनल में फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों मैं बहुत लेट में वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा से बच्चों का पढ़ाई चल रहा है, क्योंकि बेटी ही मेरा वीडियो को एडिटिंग करती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट है और एग्ज़ाम है, पढ़ाई भी है, इसलिए वो एडिटिंग नहीं कर पा रही है। मुझसे तो एडिटिंग नहीं होती है, वही करती है, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। उसको जब टाइम मिलता है तब जाके हम लोग वीडियो को एडिटिंग करके डालते हैं। तो दोस्तों आज यही बात है कि आप लोग मेरा वीडियो का इंतज़ार करते हैं, अच्छा लगता है, और मेरा सपोर्ट भी करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है और मैं मोटिवेट तो हो रही हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए नया वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, बस यही दुख है। दोस्तों मैं आज आप लोगों को मेरा पीछे में ये लकी बम्बू ये पौधा मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ। तो यही है दोस्तों मेरा लकी बम्बू। ये मैं पहले पानी में किस तरह से डालना है, ग्रो करना है, उसका बारे में मैं बताई थी, और ये बहुत सुंदर से ग्रो हो चुका है। और साथ में इधर एक ठू है ये, क्योंकि एक पॉट में मैं डाली थी तो बहुत ज़्यादा होने के कारण से मैंने दो ठो हनी बोतल, जो हम हनी खरीद के लेके आते हैं, उसी में मैं डाली हूँ, और फिल्टर वाटर ही डालती हूँ। दोस्तों कितना सुंदर से देखिए जड़ निकला हुआ है इसमें भी, और मैं इसको घर के अंदर में रखती हूँ। घर के अंदर में रखने से क्या होता है ना, बहुत अच्छा ऑक्सीजन हमें मिलता है इन लकी बम्बुओं से, और मुझे तो ग्रीन बहुत ही पसंद है। ग्रीन देखने से बहुत ही अच्छा सुकून लगता है मुझे। और ये देखिए, साथ में उसी दिन में मैंने ये लकी बम्बू को, जो लंबा लंबा था, इसको भी मैंने टुकड़ा करके ये पॉट में लगाई हूँ। एक तो इधर में ये मर गई है, तो मैं इसको निकाल दूँगी। और इधर ऊपर देखिए बहुत ही सुंदर ग्रो हुआ है, बहुत अच्छा से इसमें एक से एक ब्रांच निकली है। देखिए बहुत सुंदर सुंदर नया नया निकला है और बहुत घना हो गई है। मैं नीचे में भी आप लोगों को रख के दिखाती हूँ, इस तरह से रख लेती हूँ। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हुआ है दोस्तों ये। इसको मैं अलग अलग पॉट में लगाऊंगी क्योंकि बहुत घना हो गया है, बहुत सारा लगाई हूँ एक ही ठो पॉट में। और ये पौधा जब मैं लेकर आई तो किसके यहाँ से लेकर आई हूँ, प्रेमिना भुया, वो लोग जब गांव चले गए तब मैं लेकर आई थी। वो लोग जब गांव जा रहे थे तो मैं उनके पास मिलने गई थी, और वो लोग के घर में ग्राउंड होने के कारण से ग्राउंड में लगा के रखे थे, बहुत लंबा लंबा हुआ था, और वो लोग जाने का पहले काट के फेंक दिए थे, तो मैं उठा के लेकर आई और एक एक करके टुकड़ा करके मैंने इसमें लगा दिए, और बहुत सुंदर हुआ। और ये बम्बू का पौधा बहुत पहले मेरे यहीं से ही वो लोग भी लेके गए थे, और क्वार्टर में यहाँ पर कैल्शियम वाटर के कारण से ठीक से नहीं ग्रो हो रही थी और मेरे पास मर गई थी। फिर से मैं लेके आई हूँ और बहुत सुंदर ग्रो हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये करी लीव है, करी पत्ता। ये जब मुक्ति दी कोमल टोपनो जब चले गए रिटायर होके, तब मैं उनके पास से लेकर आई थी, वाला भी बहुत सुंदर ग्रो हो रहा है। देखिए बहुत सुंदर सुंदर पत्ता दिखाई दे रहा होगा। करी पत्ता हमें चटनी में, सब्जियों में भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है, इसको जब हम करी में डालते हैं तो बहुत फ्रेश और अच्छा है। देखिए, और इधर मेरा मनी प्लांट एक ठो पॉट में लगा के रखी हूँ, जो अपने आप ही इसमें पूरा भर गया है, भर के इस तरह से निकल गई है। इसको मैं टुकड़ा करते रहती हूँ, बहुत सुंदर हो गया है। कुछ दिन के बाद में इसको मैं थोड़ा सा टुकड़ा करके फिर से अच्छा से इसको घर के अंदर में रखूँगी।
और इधर तो मेरे पान के पत्ते हैं और इधर में एक ठो बम्बू है और यहाँ पर मेरा देखिए बहुत ही सुंदर खजूर का पौधा है जो मैं इसको गांव लेके जाने वाली हूँ। मैं पहले भी आप लोगों को बोली थी जब हम लोग भी रिटायर हो जाएंगे तो तब लेके जाऊंगी। तो यही है दोस्तों मेरा बम्बू लकी का पौधा बहुत ही सुंदर ग्रो हुआ है। बम्बू लकी से लकी बम्बू बोलते हैं लेकिन लकी बम्बू को घर के अंदर में रखने से क्या क्या फ़ायदा है वो तो बहुत लोग जानते ही होंगे। आप लोग भी रखिएगा बहुत अच्छा होता है। बच्चे लोग जहाँ जहाँ पढ़ते हैं वहाँ वहाँ रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा वो उनको बिक्री। गर्मी का सीज़न में जब हम पेड़ पौधे के नीचे खड़े होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना।